सो हेयर आर फाइव रीजंस व्हाई नारुतो इज बेटर देन बोरुतो। मैं ऑफकोर्स 10 गिना सकता हूँ, पर इस बार मैं आई विल गो विद 5। पहला, नारुतो फीचर्स अ डाइवर्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स। नारुतो में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज यही थी कि नारुतो में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर्स थे। माइट गाय से लेकर नारुतो तक हर कैरेक्टर अपने आप में ही यूनिक था। हर कैरेक्टर का एक अपना खुद का मोटिव था, खुद की टेक्निक्स थी और खुद का एक गोल था जो कि उसे यूजफुल दिखाता था पूरी सीरीज में। एग्जाम्पल के तौर पर रॉक ली ले लो, जबकि वो एक मेन कैरेक्टर नहीं था, फिर भी उसकी एक अपनी स्टोरी थी जो कि उसे हर कैरेक्टर से अलग दिखाती थी। ऐसे ही गारा, शिकमारू, यहाँ तक कि टेंटेन की भी अपनी स्टोरी थी जो कि वो सीरीज को और अच्छा बना देती थी। और दूसरी तरफ उन्हीं कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से रिसाइकल कर दिया गया है। हाँ, इनके नाम चेंज कर दिए, जैसे मेटेली, शिकडाई, पर क्या सच में अपने पेरेंट्स से अलग है? सेकंड, नारुतो है वो नोबल गोल। अब तुमको पता है हर एनिमे सीरीज में मेन कैरेक्टर का एक ना एक नोबल गोल होता ही है, जैसे कि वन पीस में लूफी को पायरेट्स ऑफ द किंग बनना है और हमारे नारुतो में ऑफकोर्स नारुतो को होकागे बनना है और चेंसो मैन में डेंजी को लड़कियों के। पर वहीं बोरुतो में बोरुतो का नोबल गोल है सास्के जैसा बनना, जो कि मुझे एक नोबल गोल की तरह दिखाई नहीं देता। थर्ड, नारुतो स्टार्टेड ऑफ वीक। अब तुम अगर बोरुतो की एज में नारुतो को देख लोगे तो नारुतो को सच में कुछ भी नहीं आता था, उसको ठीक से शैडो क्लोन बनाना भी नहीं आता था। पर अगर वहीं बोरुतो को तुम देखोगे तो वो एक ठीक ठाक शिनोबी है जिसकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी है, मुझे तो लगता है नारुतो से काफी ज्यादा बेहतर है उस एज के हिसाब से। और जहां हमें नारुतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से दिखाया था कि वो वीक से स्ट्रांग कैसे हुआ, वहीं बोरुतो में हमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है जो कि इसको वीक बना देता है। फोर्थ, नारुतो वाजंट स्लो। अब हाँ, मैं मानता हूं नारुतो में काफी ज्यादा फिलर एपिसोड्स हैं जो कि उसको बीच बीच में थोड़ा बहुत बोरिंग भी बना देती है, लेकिन नारुतो सीरीज हमेशा से ऑन टू द पॉइंट रही है। अगर तुम शुरुआत से, जैसे ही नारुतो टीम 7 ज्वाइन करता है, वो स्टार्टिंग में फाइट ही जाबुजा से लेते हैं और उसके बाद चुनिन एग्जाम, फिर ओरोचिमारु उसके साथ फाइट, मतलब एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट रहती है। वहीं अगर तुम बोरुतो के देखोगे तो स्टार्टिंग के 50 एपिसोड में तो बोरुतो के चोचले ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, बीच बीच में थोड़े बहुत एक्शन सीन्स आए हैं, पर ये इतना काफी नहीं था एक सीरीज के लिए। फिफ्थ, नारुतो हैव अ सस्पेंस एट एवरी टर्न। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज ही जो मुझे बोरुतो में लगी वो थी लैक ऑफ सस्पेंस। जहां नारुतो में हर मोड़ पर हमें अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, जहां हमारा दिमाग हमेशा सोचता था कि आगे क्या होगा। तुम चाहे रॉक ली और गारा की फाइट उठा लो या फिर काकाशी जब इटाची और किसामे से लड़ा था तब वाला सीन उठा लो, हमें सस्पेंस में डाल देता था कि आगे क्या होगा। यही चीज बोरुतो में काफी ज्यादा लैक करती है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि नारुतो बेहतर है बोरुतो से। तो भाई यही था यार, अगर तुमको ऐसा ही कंटेंट और चाहिए एनिमे बॉलीवुड और हॉलीवुड से लेके तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना।